हेलो दोस्त, तो देख सकते हो ये मेरा छोटा भाई नीरज है और इसमें अभी चार चार स्नेक रखा है। बेबी कोबरा ये तो, ये इसमें तीन तीन सांप है, कोबरा और ये धामिन इंडियन रेड स्नेक। हर बार रिलीज करेगा तो पहले हम रेड स्नेक को रिलीज करते हैं। देख सकते हो भाई, ये देखो। ये देखो कितना स्पीड से गया। तो पहला चला गया, अब दूसरा बेबी कोबरा को लो। तो भाई ये है बेबी कोबरा, ये देख सकते हैं कितना खतरनाक सांप है, खतरनाक सांप है। खतरनाक सांप है, इसको अभी रिलीज करेंगे। इसको थोड़ा ये प्रॉब्लम में चल रहा, ईटा से इसको लग गया था यहाँ पे, ये खुद को खुद लगा लिया था। तो इसको हम रिलीज करेंगे अभी थोड़ा सा आगे जाके। इसमें देखो छोड़ दो, देखो जा रहा है। चलिए ये भी गया, अपना स्थान खोज लेगा। ये बहुत बड़ा गांव का घना खरहोर है, बहुत इसमें बहुत दिन से ये ऐसे ही पड़ा है। तो इसमें स्नेक जो है ना आजाद रह सकते हैं। और ये सबसे बिग साइज का कोबरा, दो दो कोबरा है, कोबरा स्नेक। तो ये पहला खोल रहा है कोबरा, ये सॉरी तीसरा कोबरा है, वो भी एकदम विशाल काय कोबरा, ये देख सकते हैं। और फिर अब एक कोबरा बच गया है, और ये देख सकते हो स्नेक को देखने के लिए काफी लोग के यहाँ पे। खोलो ना, ये देखो ये निकल नहीं रहा है, डिब्बा को जकड़ लिया है पूरा, एकदम जकड़ के पकड़ा है। नहीं तो पकड़, मैं रिलीज करता हूँ इसको, ठीक है ना। इस सांप को मैं रिलीज करूंगा, और ये काफी अभी गुस्से में है इसने। निकल बाबा, निकल जाओ। ये देख सकते हो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और भाई लोग के कमेंट आ रहे थे जो सांप के बारे में जानकारी देने के लिए, तो ये काफी विषैला सांप है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो आदमी का मृत्यु 40 मिनट के अंदर कर देता है। एक बूंद जहर कम से कम 20 हाथी का प्राण ले सकता है, इस ये सांप इतना जहरीला होता है। इसको काटने के बाद अगर ये किसी को काटे, ये सांप किसी को काटे, गेहूमान या इसको कुछ भी बोलते हैं, गेहूमान अधसर या कोबरा जो भी रूप से जो समझते हो, तो ये सांप अगर काटे ना तो तुरंत वेनम, स्नेक एंटी वेनम लेना है भाई। कोई झाड़फूक के पास नहीं जाना है, कोई तांत्रिक के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका काटा हुआ कोई तांत्रिक ठीक नहीं कर सकता है। डायरेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई नजदीक में अस्पताल हो स्नेक बाइट का, तो वहां पे जा सकते हैं। चलिए इसको हम बिना देरी किए रिलीज कर देते हैं।